आखिरी दिन रहा बेहद खास। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आरती तोमर स्वागत करती हूँ वीके न्यूज में। 2019 कांस फिल्म फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है। इस इंटरनेशनल इवेंट में हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड की हसीनाओं ने भी धमाकेदार एंट्री मारी थी। दीपिका, कंगना, ऐश्वर्या, प्रियंका, डायना और उमा के साथ साथ टीवी स्टार कोमोलिका यानी हिना खान जैसी बी टाउन हसीनाओं ने कांस की रेड कार्पेट पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे थे। ये फेस्टिवल 14 मई से पेरिस में शुरू हुआ था। 25 मई को इस 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल का लास्ट डे था, लेकिन इवेंट के आखिरी दिन भी रेड कार्पेट पर हॉलीवुड की हसीनाओं का ग्लैमरस लुक देखने को मिला था। इनके फैंस को इस दिन भी हॉलीवुड की हसीनाओं का बोल्ड और हॉट अंदाज देखने को मिला था। कांस के आखिरी दिन हॉलीवुड के दिग्गज स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन अपनी बेटी और पत्नी के साथ यहाँ नजर आए थे। यहाँ एंटोनियो अपनी पत्नी निकोल के साथ नजर आए। दोनों के आते ही सारी लाइमलाइट उनकी तरफ हो गई। यहाँ निकोल का ग्लैमरस लुक सबके सामने आया। कांस में चीन की खूबसूरत अदाकारा जैंग ज़ाई भी नजर आई। रेड कार्पेट पर जैंग का दिलकश नजारा देखने लायक था। तो यहाँ एक ऐसी अदाकारा भी नजर आई जिनके शरीर पर टैटू की भरमार थी और वो उसे बड़े ही सेक्सी अंदाज में लोगों को फ्लॉन्ट करती नजर आई थी। यहाँ रोमेनियन मॉडल और एक्ट्रेस कैटरीलन भी नजर आई जो लोगों की ड्रीम गर्ल भी है। रेड कार्पेट पर कैटरीलन ने ग्रीन गाउन पहना जिस पर सपनों की दुनिया का लुक दिया गया था। कांस के रेड कार्पेट पर फ्रेंच एक्ट्रेस सेलिन भी पहुंची जिन्होंने ब्लैक वेलवेट गाउन पहना। यहां वो अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं। यहां कांस मेंबर और यूरोप एक्ट्रेस एलिन व्हाइट गाउन में नजर आईं। उनके सिंपल ब्यूटी लुक काफी हसीनाओं को मात दे गया। तो कुछ इस तरह रहा कांस का आखिरी दिन। लास्ट डे भी सितारों की एंट्री से चमचमाती रही कांस की रेड कार्पेट। आपको किसका लुक बेहद पसंद आया हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।